आइए, राजस्थान के संबंध में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम नहीं सुना? बताइए, आप बताओ। नहीं सुना? थोड़ा मोटा रीति सुना है? कहाँ सुना? हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, हंसो मत। हाँ, ठीक है, चलो, आपने नाम के आधार पर इन्होंने अपनी बात कह दी, गलत नहीं है, जो भी है ठीक है, जवाब तो दिया। अच्छा, आप बताओ। परंपरा? हाँ जी, आप बताओ। है, मैंने आपको कहा था कि अखबार पढ़ा करो। कोई बता सके मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और इसको मैं लगा देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कहोगे हाँ सर ये तो आ सकता है, सर ये तो आप खुद कहोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको, और आपने इसको मिस कर दिया। ध्यान रखना, जैसे हम ये कहते हैं कि हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, मतलब भारत सरकार ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है 2047, वैसे ही राजस्थान की सरकार ने विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा है 2047, और उसको जो नाम दिया है रीति नाम दिया है। अब पहले तो ये बता दो कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ताकि मैं ये तो जान लूं कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं वो दमदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया ना 2047 वाला, ये तो आ ही गया, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जी, लिखिए रीति। राजस्थान इंस्टीट्यूशन फॉर, राजस्थान इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कर दीजिए, इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है, इसको रीति नाम दिया गया है। और यदि वैसे करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, RITI। पहला क्वेश्चन तो यही है कि रीति क्या है, ठीक है ना, पूरा नाम, ठीक है, जैसे नीति आयोग का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये रीति, इसका पूरा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, इसमें लिखो, इसके तहत विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047 का प्लान तैयार किया जा रहा है, का प्लान तैयार किया जा रहा है, का प्लान तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जैसे वर्ष 2047 को भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है, विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखिए, विकसित राजस्थान 2047, हो सकता है आपको ये, इसमें ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। ठीक, 2047। अब 2047 रखना जरूरी है, जरूरी है, पहले रख नहीं सकते क्योंकि ऐसा कैसा कि सेंटर से पहले कर दो, आगे रख नहीं सकते क्योंकि 2047 मान चुके हैं हम, तो 2047 आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो होगा कि ये जो है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए गठित रीति का अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। एक इसके अंदर उपाध्यक्ष भी होगा, हालांकि इनका नाम अभी कोई उजागर नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष भी होगा, अब वो जैसे जैसे चीजें आए आप उसको करते रहना। एक इसके अंदर सदस्यों के रूप में पूर्णकालिक सदस्य होंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो स्थायी सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। एक इसके अंदर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, कुछ हद तक ये जो मिलता जुलता है ना, ये आपके नीति से संबंध, नीति आयोग जो होता है ना, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये जो विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे इसके अंदर क्या कौन होगा, कोई इकोनॉमिस्ट होगा, समाजशास्त्री होगा, ठीक है, कोई लोक कलाकार हो जाएगा, जो भी अपनी बात कहना चाहे वो होगा। विशेष आमंत्रित सदस्य में लिख दीजिए इसमें लोक सेवक, लोक सेवक समझते हो, आईएएस वगैरह आरएएस वगैरह हो गए, लोक सेवक कोमा उद्योगपति, लोक सेवक उद्योगपति व अन्य समाज सेवियों को मनोनीत किया जाएगा। क्लियर, ये होंगे। आइए जी, एक और ध्यान रखना, राजस्थान में पहले क्या है, एक आर्थिक सलाहकार परिषद हुआ करती थी, ठीक है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद, वो भी सेम यही स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना। तो इसका जो ये जो गठन किया गया है, ठीक है ना, ये जो नाम हमारे सामने आया है आप यहां पर लिख सकते हो, गठन, आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर, आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर, चले आइए। ये जो रीति आप पढ़ रहे हो इसके जो सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वही होंगे जो आर्थिक सलाहकार परिषद के आयोजना सचिव थे,
आयोजन सचिव, एक सचिव होता है जो पहले होते थे ना इसके आर्थिक सलाहकार परिषद के, वो इसके सीईओ होंगे, आयोजना सचिव इसके सीईओ होंगे। चले, शायद मेरी बात समझ गए होंगे। अभी जो हमारे सामने है पूरी रूपरेखा आ जाएगी आगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मूल बात है रीति है, विकसित राजस्थान 2047 के लिए प्लान तैयार किया गया है, रीति का जो गठन किया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर किया गया है, इसका जो पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन है, इसके जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। अब आगे जो सदस्य वगैरह है जो भी है वो अखबारों में आता रहेगा, जो भी नई बातें होगी, कम से कम आप इतना जान गए कि रीति क्या चीज होती है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।